बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजने वाले ही हैं। तो आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा थी तो हमने सोचा कहीं कोई मंदिर पर जाके होके आते हैं, और संडे भी था तो सोचा कि चलो होके आते हैं। तो अभी हम लोगों का प्लान बनाया जाने का भदाव ने, जो कि यहाँ से बहुत अच्छा झरना वगैरह बहुत अच्छी लोकेशन है। तो आप लोग बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे जाके। वहाँ पे कौन से भगवान है मम्मी? सिद्ध बाबा है जो बोलते हैं कि सभी देवी देवताओं की बहाने मतलब लगती हैं वो। तो चलो वहाँ पे जाके दिखाते हैं। सबसे मेन चीज है वहाँ की, सबसे अच्छी चीज है एक तो वो जंगल है वहाँ पे, कुछ भी तो मैं आसपास घर वर कुछ नहीं, बिल्कुल प्रॉपर जंगल के अंदर है। और वहाँ पे झरना है, नदी है, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो आप लोग बने रहिए, चलते हैं। हम लोग भी जा रहे हैं, हमारे साथ में और लोग भी जा रहे हैं, मतलब दीदी है बुआ जी की लड़की, तो वो और उनके बच्चे भी जा रहे हैं साथ में, तो बने रहना। सडनली मेरा लुक हो गया चेंज, क्योंकि ये लोग है ना, ये मुझे कंफ्यूज करती रहती है। इनने बोला कि मैं साड़ी पहन के आऊंगी और मैं साड़ी पहन के बैठ गई। फिर मैंने कहा फिर सूट पहन के आई, तो मैंने कहा छोड़ो झंझट, मेरे को वैसे भी साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग तैयार होके बैठे हैं, इनके पापा पता नहीं कहाँ चले गए, नीचे खड़े हैं। तो बस अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, ब्लॉग बनाने में भी कंफर्टेबल रहूंगी मैं। फाइनली हम लोग निकल गए हैं घर से, और देखो कितने बुरे फंस गए जे कोने में घुस गई, क्योंकि तो बस ज्यादा दूर की रास्ता नहीं है, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे हमको पहुंचने में, उसके बाद हम वहीं पे मिलेंगे जाके आपको। अभी जाएंगे, अब आ गए हम लोग फाइनली मंदिर पे। अब हम लोग जाएंगे, ऊपर जाना पड़ेगा, इसको ऊपर चढ़ाई है। ये तो भूल भी गए, अपन दूसरी रास्ता से आए कि और चलना पड़ेगा बहुत। हाँ अभी तो गाड़ी लगा रहे हैं। इन मटकों की कहानी है जो कि मैं सोशल मीडिया को बता नहीं सकती। नंदनी बताना चाहोगे मटकों की कहानी? पता नहीं। बहुत भीड़ है आज, गुरु पूर्णिमा है यहाँ पे, तो कम है पटिया वाले पे बहुत हुए। मम्मी सरा रही हैं, मम्मी सरा रही हैं चारू आज। गोपेश्वर परी हुए थे उसमें, जो मटके में पानी पीते ना, तो वो जब से रखे ही थे, प्लान बना ही नहीं पाया आने का, और अभी मम्मी ने रख दिए यहाँ पे। और उसका जो भी था मट्टी के वो बनते हैं साथ ही वगैरह, वो इसमें पानी में सराती है। तभी हम लोग जाएंगे मंदिर पर दर्शन करने के लिए। क्या जी चप्पल उधर उधर ही उतार देंगे, पर्स उतार लेंगे वहां से, बड़ी है उसकी। सॉरी बोलना पहले मार दो, सॉरी बोल दो जी। है पुल यहाँ का, यहाँ अरे पानी नहीं है ना यहाँ पे, है तो जब अपन आते हैं जब उस टाइम पे आते हैं तब ये पूरा भरा रहता है, पूरा झरना उधर उधर वो है झरना वहाँ पे, तो सब लोग नहा रहे हैं झरने में है ना। जी बात किसने बोली? नंदनी ने। मंदिर इसको ऊपर मंदिर बनाया पहाड़ी के ऊपर, और इधर झरना है। क्यों इतना अरे पानी बहुत कम है ना, कितना गंदा जी झरना है। वो लाल यहाँ पे लाल पत्थर है ना, तो पूरा पानी लाल ही रहता है हमेशा, और नहा नहा के और गंदा। चलो मंदिर में हैं ठाकुर जी बैठे हैं, हाँ ये झरना लगा है ना यहाँ पर, हर जगह पे तुम्हें झरना मिलेगा। ठाकुर जी नहा रहे हैं झरना, ठंडे देवी कुंड है, कुंड टाइप का है, अंदर भी झरना लगा हुआ है। भोले बाबा का मंदिर है यहाँ। लव
बाबा के दर्शन तो हो गए, अब चलेंगे ऊपर। ये भंडारा हो रहा है ना यहाँ पर, झरना है उधर नहीं आया। कहाँ पे है साफ? उधर को देखो, कुंड टाइप के भरे ही यहाँ पे। यहाँ से संभल के चलना, नहीं रपट जाओ। जाएंगे पहाड़ के ऊपर। अरे ऊपर अच्छा लगता है उधर देखने में, मैं तो अभी तक नहीं गई साइड। तो तुमने कैसे कह भाई, पहले पिछली बार जाने कहाँ दिया था, पुलिस नहीं लगी थी इस साइड में। देखना जंगल है, कुछ हो नहीं। अरे यार मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। कहाँ जाना है, चलते चलो, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। मम्मी आ गई, मम्मी जंप मार दी। भाई साहब क्या मस्त लोकेशन है यहाँ पे घूमने के लिए। अच्छा लग रहा है, धूप है पर बहुत ज्यादा, सर्दियों में आने लायक सही जगह है ना। गर्म है, ठंडा होगा पर झरने का है। पीने वाला है? यहाँ पे परी गिरी पूरे पानी में धड़ाम करके, पूरे में भीगे इनमें। अभी मैं भी खड़ी हुई थी पर इतना रपटता है ना इसके अंदर, बिल्कुल पैर साल स्लिप हो जाता है, काई लगी हुई है इसके अंदर। बस नहीं नानी भींग जाए नंदनी। चलो चलो चलो, अब तो धूप लग रही है बहुत ज्यादा। अरे परी पूरे पूरे, हाँ इसके अंदर वो वाली फिश है जो अपन ज्यादातर पार्लर में जाते हैं ना फिश थेरेपी लेने के लिए। मैं कहा किसी को अगर फ्री में फिश थेरेपी लेनी हो तो सब पैर लटका के बैठ जाओ, आराम से खाने लगेंगी तुम्हें। चलो चलो अब घर के लिए। पता फिश है छोटी छोटी, बड़ी है तू, हाँ बड़ी है। चलो चलो हमने घूम लिया, अब सीधा घर की ओर। एक जगह खड़े रहो तो गर्मी नहीं लग रही है। पूरा फेस देख रहे हो कैसा हो गया, रेड रेड सा हो गया गर्मी के मारे। कुत्ता है भी आराम से, सेलिब्रेट होगा अभी। चलो टिक्की पियेंगे आराम से। बर्थडे आज छोटू का, केक नहीं ले पाए। बर्थडे पार्टी ले आ जाओ, केक कटिंग करवाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ से मिल जाए, दाल तड़का करवा लो। चलो केक कट, केक कट जाए। हाँ मखनी खाते हैं, ठीक है मखनी अच्छी लगती है ना, दाल मखनी। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑर्डर दे दो आप। चलो केक छोटू इधर आ जा, यहाँ पे काट, यहाँ पे रख के। कैश टीका हो रहा है इसका, वो ऑनलाइन टीका हो रहा है, कैश पाने का। चलो भाई केक बहुत मस्त है, अच्छा है केक का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
करने काड़ी जब खाना आ रहा परसा हो तब भूख बहुत लेवल की लगती है टमाटर खाते हुए चलो अब सीधे जाएंगे घर पे चेंज करके सोएंगे आराम से क्या चेंज भी करने की जरूरत नहीं सूट ही पहने मम्मी अंदर रह गए।